ये एब्रॉन का पी एन जंक्शन डायड करेक्टरिस्टिक है। इसमें पी एन जंक्शन डायड ये दोनों लगे हुए हैं, पी एन जंक्शन डायड, क्योंकि ये साइन ऐसे है। और ये है एक जीनो डायड, यहाँ पे ये जीनो डायड लगा हुआ है, जीनो डायड लिखा है ये वाला। ये और ये दोनों सेम है पी एन जंक्शन, और इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, एक रिवर्स डायरेक्शन में। ये जीनो डायड है, एक इसमें एलईडी है, एक इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसमें ड्यूअल आउटपुट सिस्टम है पावर सप्लाई का, हमारी यहाँ से 10 वोल्ट की पावर सप्लाई है और ये 100 वोल्ट की है, पर ये 10 वोल्ट भी काम करती है। मान लो मैं इसको सबसे पहले, ये दो दो टर्मिनल हैं इसमें, ये दो दो आउटपुट के टर्मिनल हैं, इसमें भी दो आउटपुट है। अब मैं प्रेजेंटली ये वाली राइट साइड वाली यूज़ करूँगा, ये वाली 100 वोल्ट वाली पावर सप्लाई मैं 10 वोल्ट तक यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं आपको ये अगर 10 वोल्ट पे करता हूँ और स्लोली इंक्रीज़ करता हूँ, तो देखिए ये यहाँ से ये 10 वोल्ट की ये आ रही है, ये देखिए 10 वोल्ट तक चलेगी। अगर इसी को मैं यहाँ से, अब ये है, और इसको रिवर्स कर लेता हूँ, तो ये देखिए 10 वोल्ट से ये सेम पावर सप्लाई 100 वोल्ट तक के ये यूज़ हो जाएगी। अब मैं इसको सबसे कम करके 10 वोल्ट वाले सेक्शन को चूज़ कर लेता हूँ। अब एक हमारे पास ये, अब हमारे पास सेमी कंडक्टर डायड या पी एन जंक्शन डायड मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसको हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे यूज़। फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव से करंट हम इस पॉजिटिव में देंगे, ये वाला पॉजिटिव आ गया, और ये नेगेटिव वाला जो है इसके नेगेटिव से जोड़ेंगे यहाँ से। इसको हमारे पास, इस आउटपुट को हम चेक करेंगे मिली एमीटर में। यहाँ हमारे पे रेंज है 10 mA एंड 1 mA, 1 mA मतलब कम करंट। और इसकी तार को हम, जो इसकी आउटपुट से बाहर आ रही है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए दोबारा सर्किट को समझिए, मैं आपकी दोनों तारें यहाँ पकड़ ली और ये दोनों तारें यहीं पकड़ ली, तो ये देखिए दोनों तारें, ये दोनों तारें यहाँ से इसमें सीधी पावर सप्लाई में जुड़ी, तो हमें वोल्टेज पता लगेगी। और ये हमारी एक तार इसमें गई, एक यहाँ से मीटर में गई, मीटर से वापस इसमें आ गई। अब मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम इसको बहुत कम वोल्टेज 10 वोल्ट पे रखा हुआ है, कम करंट में रखा, 1 mA पे रखा हुआ है, और ये हम स्लोली इसका करंट जो है स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये देखिए 2 वोल्ट, ये हमारा 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, और करंट हमारा मिली एम्पियर, 1 mA फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा करंट चला गया। अब अगर हम इसको रिवर्स में चेक करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ, बड़ा सिंपल सा काम है, इसको हमने रिवर्स में करना है सब, और 100 वोल्ट के ऊपर ले आएंगे। पहले हम 10 पे रख के देखते हैं क्या स्टेटस रहता है। और ये दोनों जो हैं सेम, जो ये पॉजिटिव में लगा था, हम इसको रिवर्स में लगा देते हैं। ये अब देखिए ये सेम है, और सिर्फ पॉजिटिव को नेगेटिव में दे दिया, नेगेटिव का हम यहाँ ले गए। अब दोबारा देखिए सर्किट ऐसे बना, ये आपका सेम सर्किट। अब मैं स्लोली वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 10 वोल्ट तक भी कोई करंट नहीं आएगा, 10 वोल्ट तक भी कोई करंट नहीं आ रहा है ये, ठीक है। अगर मैं मिली में ले जाता हूँ तो ये, क्योंकि 10 मिली ज़्यादा है, और अगर मैं इसको 100 पे ले जाता हूँ तो हमारे को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर कुछ करंट दिखाई देगा यहाँ से चलता हुआ। देखिए बहुत थोड़ा सा करंट चला, ये दो, एक एक वोल्ट का, एक मिली एम्पियर का, 0.1 mA, जबकि 90 वोल्ट पहुँच गया। अगर मैं इसको, ये हमने रिवर्स वाले में किया यूज़, अब इसको सेम मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हमने पहले जो दिया था वो फॉरवर्ड में ये यूज़ किया था ऐसे वाला, अब मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ एज ए रिवर्स, सेम है, मतलब सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि दो हमारे पे ऑप्शन है, एक नीचे वाली है, एक ऊपर वाली है। सेम मैं ले रहा हूँ, 100 वोल्ट पे लिया और करंट मैंने 1 mA पे ले लिया, तो कोई करंट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट है। इसी तरह से जीनर के लिए हम चेक करेंगे, सर्किट सेम रहेगा, सारे का सारा वोल्टेज में रहेगा, हम 10 वोल्ट पे ले जाएंगे इसको, और ये सेम रहेगा, करंट वाला भी सेम रहेगा। इस पॉजिटिव को हम जीनर में, पॉजिटिव में यहाँ से दे देते हैं फॉरवर्ड, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो इसके अंदर हमारा करंट, हमने अब ये देखिए दोबारा इस सर्किट को देखिए, ये हमारा वोल्टेज वाला लग गया, और सेम सर्किट में यहाँ पॉजिटिव गया, और ये इसमें मीटर में गया, और ये सर्किट यहाँ आ गया। अब हम ले गए, तो कोई 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट तक कोई करंट इसमें पास नहीं हुआ। जीनर ऐसे काम करता है कि सडनली उसमें से करंट पास होगा, और अभी तक नहीं हुआ। ये देखिए 10 वोल्ट के बाद अब वर्क करंट शुरू हुआ, एक स्टेज तक कोई करंट नहीं जाएगा और दूसरे में जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ, तो सिर्फ इतना ही करना है कि
कि ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में यहाँ डाल दीजिए, सेम सर्किट रहा सेम। अब मैं उसको 100 वोल्ट वाले सेलेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट है। ये एक आपका सिस्टम, इसमें जीनर और पीएन जंक्शन है। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस को चेक करना चाहता हूँ कि कितने पे वोल्टेज पे हमारी एलईडी जलती है, तो सर्किट सेम रहेगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये एक तार मैं इसके रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से मैं करंट इसको लेके जाऊँगा रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस से एक हमने एक और नई तार एक और निकाली, वो इससे लेके जीनर में ले गया, उसमें एलईडी में ले गया, और एलईडी से आपको यहाँ से इसको एलईडी में ले गया। अब मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, अब देखिए दोबारा सर्किट को देखिए, ये वाली दोनों तारें यहाँ से वोल्टेज की इसमें आ गई, और ये एक वोल्टेज यहाँ रेजिस्टेंस में आई, सेकंड इसमें से होके यहाँ से होके करंट में चलेगी। अब मैं इसको 10 वोल्ट वाले पे ले गया, और जैसे मैंने इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करा, यहाँ से ये एलईडी का यहाँ से करंट दिखाई देगा, अभी चलेगी इस पर नहीं चली, ये ज़्यादा वोल्टेज पर चलेगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें रेजिस्टेंस के बिना भी चल सकती है ये, इसके अंदर डायरेक्ट आपको करंट पता लगता है कितना चल रहा है। सेम ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ये आपकी एलईडी, यहाँ से ये एलईडी है, इसका हम सर्किट उसका जीनर के थ्रू कर सकते हैं और सर्किट यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, इसमें एलईडी के थ्रू भी रेजिस्टेंस के थ्रू हम कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा ट्राई करके दिखाता हूँ, पॉजिटिव को मैंने यहाँ लेके गया और इस करंट को यहाँ से लेकर के इसके पॉजिटिव में लेके आऊँगा, रिवर्स हो गया तो रिवर्स में नहीं चल रही, पॉजिटिव लेके गया जीरो करा, अब ये लेके गया। अब आप देखिए मैं धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, ये जल गई, जैसे ही एनर्जाइज होती है एक सडन वोल्टेज पे जलेगी, ये देखिए दोबारा ये देखो एकदम उसके ऊपर चलती है, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ ये देखिए ये चल रही है, इसकी ये वोल्टेज है। अब हम धीरे धीरे इसको दोबारा देखते हैं कि कहाँ पे चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 4 वोल्ट के ऊपर, 3-3.5 वोल्ट तक कोई नहीं चलती, फिर जैसे ही 4 वोल्ट आती है तो एकदम जल जाती है, रिवर्स में नहीं जलती, वो इसीलिए नहीं जल रही थी, मैंने पॉजिटिव जो करंट है यहाँ से हमें इस पॉजिटिव को देखिए, पॉजिटिव से यहाँ जाके यहाँ जाना चाहिए। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा है, इसके अंदर पीएन जंक्शन के हमने दो दे रखे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, और रिवर्स के लिए जीनर डायोड का एक दे रखा है, ये लिखा हुआ है जीनर डायोड, और एलईडी और रेजिस्टेंस पूरा आपको ट्रेनिंग का है। ये मीटर करंट दो ड्यूअल रेंज मीटर है, यहाँ से सिलेक्टेबल है, वोल्टेज पावर सप्लाई यहाँ से, ये पावर सप्लाई सिर्फ 10 वोल्ट तक काम करती है, पर मैंने आपको 110 दोनों एक ही से एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, अदरवाइज आप इसको पहले यूज़ करेंगे फिर इसको करेंगे डिफिकल्टी आएगी आपको। अगर ईजी है स्टार्टिंग, बाद में आप सिर्फ सेव करने के लिए 10 वोल्ट की अलग पावर सप्लाई यूज़ करिए फॉरवर्ड में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को आप देखिए, और हमारा ये जो है वेबसाइट है इसको evron01@gmail.com हमें ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन सेंड अस योर ऑर्डर, कैन टॉक टू अस, थैंक यू वेरी मच।